सिंदूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। दोस्तों, आदरणीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां धीरे धीरे अपने को चरितार्थ कर रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के हर घर तिरंगा अभियान और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश उत्तराखंड और विशेषकर मैं बात करूँ हमारे ज़िले ऊधम सिंह नगर में देखिए किस जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारे ज़िले के खिलाड़ी हों, हमारे ज़िले के अधिकारी हों, हमारे ज़िले का प्रशासन हो, पुलिस हो, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हों और महिलाएँ हों, पुरुष हों, किसान हों, हर घर घर जवान हों, किसी ने भी आज ये अवसर को नहीं छोड़ा, हाथों हाथ लिया है सबने तिरंगा और अपने दिल में ठान लिया है कि हम निकल पड़ेंगे हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए। तो दोस्तों, पूरे शहर में थी धूम। पुलिस कर्मचारी हों, चाहे डीएम महोदय हों, एसएसपी महोदय हों, हर कोई आज जश्न मना रहा है आज़ादी का और अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम सब। ये खिलाड़ी आज एक साइकिल और बाइक रैली का आयोजन सेपक टाकरा एकेडमी रुद्रपुर से चली है डॉक्टर नलिन शर्मा जी के नेतृत्व में नगर निगम में, और नगर निगम में स्वागत करेंगे माननीय मेयर महोदय रामपाल जी। तो चल पड़ी है हमारी साइकिल रैली, मेयर रामपाल जी से मिलने के लिए नगर पालिका परिषद में स्वागत किया जाएगा। आइए चलते हैं। परवाने ये बच्चे दिलों में तिरंगा और मन में जोश और देश के प्रति प्रेम लेकर आज के दिन निकल पड़े हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। आज इनकी मंजिल है रुद्रपुर नगर निगम सभागार, जहां पर आदरणीय मेयर साहब स्वागत करेंगे इस रैली का। देखिए पूरी रैली हमारी पंक्तिबद्ध होकर एक के पीछे एक कर चल रही है, यही अनुशासन है खेल और खिलाड़ियों का। पूरी रोड छोड़कर आप देखिए ट्रैफिक के लिए, और तिरंगा हमेशा अपने से ऊपर, और चल पड़े हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। यह है मेरे ज़िले की शान, आन और बान। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बच्चों को और पहुंचने ही वाले हैं रुद्रपुर नगर निगम के सभागार में हमारी रैली। ये देखिए सबसे आगे हैं डॉक्टर साहब और उनके नेतृत्व में पूरी टीम पहुंच गई है। अब नगर पालिका के मुख्य द्वार से भीतर आ रहे हैं आदरणीय दिवाकर पांडे जी, मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम। देखिए नगर पालिका के मेयर साहब ने अपने सभासदों के साथ पूरी टीम का पुष्पमाला से और फूल बरसाकर स्वागत किया। तिरंगा साथ में है और सभी बाइकर्स पर, सभी साइकिलिस्ट पर, सभी खिलाड़ियों पर पुष्प की वर्षा की गई है पूरे शहर से आए सभासदों द्वारा और स्वयं मेयर साहब द्वारा। आइए आप भी आइए, सभी का स्वागत है नगर पालिका के सभागार में। और दोस्त ये हैं देखिए हमारे ज़िले के मुखिया डीएम साहब और एसएसपी साहब, साथ बाइक में हैं, पैदल हैं, जो उस देखे सीपीयू के जवानों के साथ, पूरे प्रशासन के साथ, डीएम साहब स्वयं फ्लैग लेकर और एसएसपी साहब के साथ आगे पूरा जिला प्रशासन पूरे शहर में घूम घूम कर आपने जो जोश भरा है ना ज़िले के हमारे लोगों में, पुलिस के जवानों ने, वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, अकल्पनीय है। धन्य है मेरे देश के ये जवान, और मैं सलामी देता हूँ अपने जिला प्रशासन को जिन्होंने अद्भुत नज़ारा पेश किया आज़ादी के अमृत महोत्सव का। और ये देखिए ड्रोन कैमरे से लिया गया ये अद्भुत नज़ारा, पुलिस प्रशासन और शहर के लोगों द्वारा निकाला गया ये अद्भुत जुलूस है। सभी लोग बाइकों पर सवार हैं, सभी पुलिस के जवान, और ये हैं हमारे एनसीसी के जवान डीएम साहब और एसएसपी के साथ, पूरा दल जय जयकार कर रहा है देश की। आइए सुनते हैं डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं इस अवसर पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज हमारे समस्त खिलाड़ियों ने, जिसमें सेपक टकरा एसोसिएशन उत्तराखंड, ड्रॉप रोबॉल फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड, बैडमिंटन संघ और सब खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर एक साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया है, और
हमारे हमारे जो साथी इसमें हैं, भूपेश दुमका एडवोकेट कोऑर्डिनेटर हैं इसके, और हमारे सह कोऑर्डिनेटर हैं दिवाकर पांडे एडवोकेट, जो जिला बार संघ के अध्यक्ष भी हैं हमारे, और हमारे भूपेश दुमका जी भी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका विशेष सहयोग रहा है। उस आइए शहर के प्रथम नागरिक मेयर रामपाल जी के विचार सुनते हैं इस अवसर पर। साथियों, आज़ादी 1947 में जरूर मिली, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, इतना जो आज़ादी का 75वां साल जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हमारी सरकार ने, पहली बार लगा के लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा और जोश किस तरीके से होता है। तो मुझे लग रहा है कि जापान, जिसकी कि हम लोग एक मिसाल देते हैं, उसको बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। बात हो आज़ादी की, उत्साह की, तो हमारे SSP टीसी मंजुनाथ जी कैसे पीछे रहते, आइए सुनते हैं कि कैसे मना रहा है पुलिस प्रशासन इस पर्व को। अमृत महोत्सव के तहत 75th है, और हर घर तिरंगा अभियान भी है। माननीय PM साहब का, CM साहब का, और भारत सरकार का, और इवन हमारा उत्तराखंड सरकार का PSQ का भी अभियान है। इसके तहत समस्त निकटतम थाने की फोर्स है और CPU है, और हमारा पुलिस ऑफिस का शाखा है, और साथ में देख रहे हैं NCC वाले जो लोकल स्कूल के NCC के छात्र छात्राएं, उन्हें मिलकर हमने तिरंगा यात्रा निकाला। हमारा मैसेज ये है कि हर घर तिरंगा अभियान को अच्छे से सक्सेसफुल करें। पेट्रियोटिज्म जो देशभक्ति का जो चीज़ें हैं, बस कहने को ना रहे, अपने काम में भी दिखाएं, और आगामी 25 साल में भारत को एक सुपर पावर बनाने में हमारा योगदान दें। दोस्तों, इन सब कोशिशों के बाद भी आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दिन पूरा होगा जिस दिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ पूर्ण रूप में हो जाएंगी। आइए आपको बधाइयां देते हैं 15 अगस्त की, और अटल जी की इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना अबदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उस समय की कविता है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।